नवजात शिशु छोटे बच्चों में इम्यूनिटी पावर यानी कि जो रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, नवजात शिशु हमेशा बीमार रहते हैं। तो इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बच्चों में टीका लगाया जाता है, इसको टीकाकरण कहते हैं या इसको वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं। जिन बच्चों में टीकाकरण नहीं हो पाता है किसी कारण की वजह से, वह बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, कभी कभी उनको गंभीर रोग हो जाते हैं, विकलांगता हो जाती है या कभी कभी उनकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बच्चों को, नवजात शिशुओं को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को स्वास्थ्य के संबंधित सारी जानकारी देता हूं, जैसे कि मेडिसिन कैसे खानी है, कुछ जाँचों के बारे में बताता हूं, कुछ बीमारियों तथा कुछ ऐसे मेडिकल फैक्ट के बारे में बताता हूँ जिसको जानकर आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुँच सकता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों में टीका कौन सा लगता है, कौन कौन से प्रकार के टीके आते हैं, कब कब लगता है, कितने अंतराल में उसको लगाया जाता है, इन सब के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चा जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, जब वो नवजात होता है, तो सबसे पहले उसको कौन सा टीका लगाना चाहिए। ये बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसको BCG का टीका लगता है, साथ में उसको हेपेटाइटिस का टीका लगता है। जब बच्चा 1.5 माह का हो जाता है यानी कि जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, तो उसको सबसे पहले जो टीका लगता है वो पेंटावेलेंट का लगता है। ये जो पेंटावेलेंट का टीका होता है उसमें 5 प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, जैसे कि डिप्थीरिया, HIV, टिटनेस तथा आपको पोलियो और जो वोपिंग कप जैसे जो बीमारी होते हैं उसे लड़ने के लिए इसमें टीकाकरण का यूज किया जाता है। इसके साथ आपको IPV तथा OPV का भी टीका लगता है, उसमें आपको पोलियो की वैक्सीन को पिलाई जाती है, साथ में रोटा वायरस का जो वैक्सीन होता है उसको आपको 2 या 3 बूंद उसको पिलाया जाता है। अब जब बच्चे 2.5 मंथ के हो जाते हैं यानी कि जब वो 10 सप्ताह पूरा कर लेते हैं, तो उनको फिर एक डोज पेंटावेलेंट की लगती है, साथ में उसको OPV की वैक्सीन लगती है। OPV में आपको ओरल रूट के द्वारा आपको पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, साथ में आपको रोटा वायरस की भी 2-3 बूंदे पिलाई जाती है। जब बच्चा 3.5 माह का हो जाता है यानी कि जब बच्चा 14 सप्ताह हो जाते हैं, तो उनको फिर एक डोज पेंटावेलेंट की लगती है, IPV की डोज पिलाई जाती है, OPV की डोज पिलाई जाती है और जो रोटा वायरस की जो डोज है उसकी भी 2-3 बूंदे पिलाई जाती हैं। जब बच्चा 9 महीने से लेकर 12 महीने तक हो जाता है यानी कि जो 9वां महीना और 12 महीने के बीच में भी आप उसको जो टीका लगवाते हैं वो आपको मीजल्स का टीका लगवाना पड़ता है। ये जो मीजल्स होते हैं ये खसरे के टीके होते हैं, इसको आपके बच्चों को लगाया जाता है, जिससे इस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके बच्चे में बन जाती है। जब आपका बच्चा 16 महीने से लेकर 24 महीने तक का हो जाता है, तो उसमें आपको DPT का टीका लगता है, मीजल्स का टीका लगता है, साथ में OPV की जो वैक्सीन होती है उसको 3 बूंदे आपके बच्चों को पिलाई जाती है। जब बच्चे की आयु 5 से 6 वर्ष की हो जाती है, उसके बीच में आप DPT का टीका लगवा सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे की आयु 10 वर्ष की हो जाती है तो आपको टिटनेस की वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। उसके बाद जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो एक बार फिर से आपको TT का वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, यानी कि टिटनेस की वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है और ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होता है ये सरकारी अस्पतालों में फ्री होता है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो एक इस प्रकार से कार्ड बनाया जाता है, इस कार्ड के हिसाब से आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ये सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री होता है। और साथ के साथ अगर आपको सरकारी अस्पताल में ये इसका इलाज नहीं करवाना है तो प्राइवेट अस्पताल में भी टीकाकरण की सुविधा होती है, वहाँ पे लेकिन आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो जब भी आपका बच्चा पैदा होता है, बच्चे नवजात शिशु रहते हैं, तो आपको अपने जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए बच्चों में टीकाकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप टीकाकरण करवाएंगे तो जो आने वाली रोग होते हैं उससे लड़ने के लिए आपके बच्चों में रोग प्रतिरोधक की क्षमता बनती है, जिससे आपका बच्चा आने वाली बीमारियों से लड़कर अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकता है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी आपके नवजात शिशु के जन्म के समय से लेकर आगे बढ़ने वाली उम्र तक कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है और आपको ये लगता है कि ये जानकारी आपको दूसरों को भी देनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकती है और आप उस वीडियो को देखकर अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाकर जल्द से जल्द आपके लिए पोस्ट कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।